हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, उसके लगभग 2 पार्ट्स अपलोडेड हो चुके थे और आज हमारा बेसिकली जो है 3rd पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर आप लोगों ने इससे पहले के 2nd पार्ट्स को नहीं देखे, इसके पहले जो 2 पार्ट्स आए हैं, अगर आप लोगों ने उन चीज़ को नहीं देखा तो फाइनली आप लोग उसको देखिए, देन इस पार्ट को। क्यों? क्योंकि तब के अगर टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों से मैं आज थोड़ी सी टॉपिक से हट से बात करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, फिर कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपके सामने आपके आसपास 3 तरह के लोग देखते हैं। ठीक है, एक होता है कि जो एक्चुअल में काम करते हैं, ठीक है, दूसरा कि जो कहते हैं कि क्या कर रहे हो, ठीक है, और तीसरा जो क्या हुआ है। तो आप लोगों को सीधी सी बात है कि अब आपको पहचानना है कि आप किनमें से हो। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ऐसा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो सीधी बात है आप काम कर रहे हो, ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे या फिर होगा, तो आप अपने आप को देखो कहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब भी आप काम करोगे तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम बैठ के देखेंगे हम सारा कुछ मिल जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले कि अब देखो गया भारत में शिक्षा का महत्व या फिर उद्देश्य, मतलब कि जो भी भारत के अंदर जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, या फिर सिंपल सी बात करें कि जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, आप लोगों को मैं यहाँ पर एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो जो एजुकेशन हमें मिलती है, ठीक है, जो प्रोवाइड की जा रही है भारत के अंतर्गत, उसका क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या फिर उसका क्या पर्पस है, क्यों दिया जा रहा है। सीधी सी बात है, ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, कि एजुकेशन जो आपको मिल रही है वो किस लिए मिल रही है, क्या मोटिव है उसको देने का। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोटिव है वो क्या हो, जिम्मेदार नागरिक होना। मतलब कि अगर हम एजुकेटेड होंगे, ठीक है, अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं प्लस में एक एजुकेशन पर्सन बने, एजुकेटेड पर्सन होंगे, तो इससे क्या होगा कि हम अपने देश के क्या होंगे, जिम्मेदार नागरिक, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल क्या सिटीजन होंगे। ठीक है, तो मतलब हर एक चीज़ को काफ़ी चीज़ों से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन हमें मेन देने का उद्देश्य क्या है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। दूसरा क्या है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास। सिंपल से सोचो कि अगर हमारे देश के अंतर्गत टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो अगर वो कहाँ से आ रही है, वो बेसिकली एजुकेशन, अगर एजुकेशन नहीं होता तो शायद हमारा जो साइंस होता, हमारा जो टेक्नोलॉजी होता, वो डेवलप नहीं होगा। तो कहीं कि हमें जो साइंस और जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, आज हमें क्या होता है, तरह तरह की एजुकेशन दी जाती है। तो ये क्या है, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ठीक है, थर्ड क्या है, मनुष्य का मानसिक विकास। ठीक है, मनुष्य का मानसिक विकास का मतलब है, जैसे कि होता है कि जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका उतना जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उतना खुलता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी उनकी एक स्टार्टिंग होती है। लेकिन अगर हम आप लोगों की मैं बात करूं तो आप लोग क्या होगी, मतलब कहने की आपकी चीज़ों के, मतलब आपके सोचने समझने की देखने का हर एक क्या होगा, आपका नजरिया बदल चुका है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ें बदली कैसी है, बाय द एजुकेशन। ठीक है, तो कहने की क्या होता है कि जब हमारे पास एजुकेशन होगी, हम एजुकेटेड पर्सन होंगे, तो हमारा जो मेंटली हम पूरी तरह से क्या डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संस्कृति का प्रसार। ठीक है, हमारा जो कल्चर होगा उसका क्या विस्तार होगा, जैसे कि अगर बात करें, ठीक है, आप किसी चीज़ में वेल एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है, और आपका मन है कि आप विदेशों में काम करना चाहते हो उस चीज़ को लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर, तो इससे क्या होगा कि आपका जो उस सब्जेक्ट में जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपका मतलब कल्चर है, ठीक, वो कहने की आपके थ्रू क्या दूसरे देश की ओर क्या गिरेगा, वहाँ पर फैलाया जा सकता है, विस्तार किया जा सकता है। तो एजुकेशन इसलिए क्या है, हमें प्रोवाइड किया थी ताकि हम अपने देश के कल्चर को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, उसको बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीवन शैली तथा प्रति व्यक्ति आत्मवृद्धि। सीधी सी बात है कि अगर हम लोग एजुकेटेड होंगे, अपने एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा गेन करेंगे, तो हमारा जो लाइफ स्टाइल होगा पूरी तरह से क्या चेंज हो जाएगा, प्लस हमारा जो इंडिविजुअल जो इनकम होगी ऑटोमेटिक क्या होगी, वो बढ़ेगी। और लास्ट पॉइंट क्या, समृद्धि तथा विकास की तीव्र होगी। मतलब कि हम देखो सीधी सी बात है कि अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हो तो कहने की आप एक मतलब एक कार्यकुशल पर्सन हो, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे, ठीक है, प्रोडक्शन एरिया होगा, सर्विस सेक्टर किसी भी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके द्वारा जो भी प्रोडक्शन होगा या फिर आपके द्वारा जो भी सर्विस जनरेट किएगी उसमें लगातार क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब आपके प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो कहने की किस चीज़ को दर्शाएगी कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ाएगी। तो ये बेसिकली हमारे क्या था कि भारत में शिक्षा का क्या महत्व है या फिर भारत में शिक्षा देने का क्या उद्देश्य है। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, और ये लास्ट टाइम एग्जाम में बहुत मतलब एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, तो इसलिए आपको ध्यान से इसको समझना ही है। टॉपिक है भारत में शिक्षा से संबंधित संगठन, मतलब कि भारत में
किस किस तरह की शिक्षा प्रोवाइड की जाती है और उन मतलब उन शिक्षा को प्रोवाइड करने वाले ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो उस मतलब जो विभिन्न तरह की या तो वेरियस टाइप की एजुकेशन क्या प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है पहला जो डिपार्टमेंट है वो राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। ये थोड़ा सा हिंदी का नाम थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन अगर इसका शॉर्ट में पढ़ो एनसीईआरटी, मतलब आपने देखा कि जो हमारे स्कूल की बुकें होती हैं, ठीक है, एनसीईआरटी वाली, तो बेसिकली किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो एनसीईआरटी जो संगठन होता है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाती है। जितना भी उच्च लेवल मतलब उच्च और माध्यमिक शिक्षा जितना भी मटेरियल होता है बुक से रिलेटेड, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो एनसीईआरटी द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये पहला समय बेसिकली कहने के होता है कि मतलब जो आपके ट्वेल्थ की बुकें होती हैं उससे पहले की छठी सातवीं वगैरह की, तो वो सारा जो मटेरियल होता है गवर्नमेंट के द्वारा वो कौन से संगठन द्वारा, वो एनसीईआरटी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा संगठन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम UGC, ठीक है, ये क्या होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो विश्वविद्यालय होते हैं हमारे देश के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय, ठीक है, उनका जो भी मतलब विद्या से संबंधित मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी पैसे से रिलेटेड सारी समस्या होती है, ये डिपार्टमेंट बेसिकली उस समस्या को रहता है सॉल्व करता है, ठीक है। और प्लस ये क्या करता है कि जो उच्चतर शिक्षा जो होती है मतलब जो हमारी होती है हाई स्कूल हो गया, ठीक है, और जो कहते हैं इंटर वगैरह के हो गए, तो वहाँ पर जो भी नीतियाँ और जो अधिनियम होते हैं बेसिकली इस डिपार्टमेंट द्वारा क्या किए जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है संगठन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, वहाँ पर AICTE, ठीक है, ये बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट जो है ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन लेकिन ये बेसिकली किसी से जैसे तकनीक से रिलेटेड हो गया, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गया, उसी से रिलेटेड क्या ये एजुकेशन देता है, ठीक है। प्लस वो उसी से रिलेटेड एजुकेशन देने के साथ साथ जो इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, या फिर जो भी तकनीकी हो गई उसी से संबंधित नियम, ठीक है, और जो अधिनियम वगैरह क्या करता है वो पारित करता है, कौन सा संगठन, AICTE, ठीक है। लास्ट हमारा जो संगठन है वो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है। लास्ट टाइम में क्वेश्चन एक नंबर का पूछा गया था कि भारत में, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा कौन से संगठन द्वारा प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन हमारा जो होगा वो ICMR होगा, ठीक है। इसका मतलब जो क्या होता है कि हमारे देश में जैसे कि आपने स्वास्थ्य संबंधी जो भी जितनी भी एजुकेशन होती है इस डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और स्वास्थ्य संबंधित जो भी एजुकेशन होता है जो भी वहाँ पर नीतियाँ, ठीक है, जो भी अधिनियम वगैरह बनाए जाते हैं तो बेसिकली इस डिपार्टमेंट द्वारा क्या होता है उस चीज़ को बनाया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।